हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैड ओवर मेकिंग। मेरा नाम पीयूष बंसल है। आज की इस वीडियो में हम कुछ एसेंशियल की कुछ फ्रेशर्स के लिए जॉब वैकेंसीज हैं उनको देखने वाले हैं। जॉब वैकेंसीज काफी सारे डिपार्टमेंट के लिए है, तो हम पर्टिकुलरली उन्हीं डिपार्टमेंट के लिए डिस्कस करेंगे जिनके लिए अभी फ्रेशर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। उन वैकेंसीज के लिए फ्रेशर के साथ में एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑर्डर टू कैश प्रोसेसिंग है। देन सेकंड है रिक्रूटर एनालिस्ट, जो कि एचआर डिपार्टमेंट है। थर्ड आता है आपका इनसाइड सेल्स, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए है। कुछ ऑडिट डिपार्टमेंट है, जो कि आपका फाइनेंशियल रिलेटेड डिपार्टमेंट ही है। एंड द सेकंड लास्ट आता है आपका आईटी हेल्प डेस्क, जो कि कस्टमर सर्विसेज को लेके है। तो यही कुछ डिपार्टमेंट है जिनके लिए अभी एसेंशियल अपनी फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज को रिसेंटली ओपन किया हुआ है। तो ये सारी जॉब वैकेंसीज आपको कहाँ पर मिलेंगी, आप इनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या इनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारे जॉब अपडेट्स मिलते रहे। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट ओपनिंग, न्यू एसोसिएट्स रोल फॉर ऑर्डर टू कैश प्रोसेसिंग। तो देखते हैं इसमें लोकेशन क्या है। जॉब लोकेशन की बात करता हूं तो यहाँ बेंगलोर की जॉब लोकेशन है। और क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट अगर हैं आप, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीसीए कुछ भी किया है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि जो भी जॉब रोल इनके अभी अवेलेबल हैं उनके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। और सभी के लिए इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0 to 1 years का ही है। एंड द डेजिग्नेशन दैट यू विल गेट आफ्टर ज्वाइनिंग द एसेंशियल इज फॉर द मैनेजमेंट लेवल, दैट इज न्यू एसोसिएट्स। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जॉब रोल क्या रहेगा, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली रिटर्न है, बहुत अच्छे से यहाँ पर पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनका जॉब रोल क्या है। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जिसमें आपको कुछ उनके डेटा या कुछ रिपोर्ट्स के लिए पहले डेटा कलेक्ट करना है और फिर उसको एनालाइज करके उनको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रोवाइड करना है, जो कि क्लाइंट बेनिफिट होना जरूरी है। कुछ क्लाइंट्स के लिए आपको वो डेटा बनाना है। ये बहुत शॉर्ट में आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज आती है इसके लिए किस तरह के इंडिविजुअल्स उनको चाहिए, क्या स्किल सेट्स दे रिक्वायर्ड, एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप, वेल वर्क इन अ टीम, हैंडल डिस्प्यूट्स, मीट डेडलाइंस। हर काम के लिए डेडलाइंस होती हैं, तो ये बहुत बेसिक सी स्किल सेट है जो आप सभी के पास में होंगी। और नहीं होती हैं तो आप जब ज्वाइन कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो धीरे धीरे सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं और आदत पड़ जाती है। आपकी फर्स्ट जॉब है, आप फ्रेशर हैं, तो हो सकता है आपके लिए सारी चीजें नई रहेंगी, बट आप ये सारी चीजें सीख लेते हैं। यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिखे हुए हैं और क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी। नेक्स्ट बात आती है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले हम सारे जॉब रोल्स के बारे में देख लेते हैं, उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी लोकेशन, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका एसोसिएट रोल आता है फॉर द इनसाइड सेल्स के लिए। सेम इसमें भी क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रेशर्स हैं इसके लिए। लोकेशन सेम रहेगी, बेंगलोर है। डेजिग्नेशन भी आपकी मैनेजमेंट लेवल न्यू एसोसिएट के लिए रहेगी। डिपार्टमेंट आपका सेल्स रहेगा। यहाँ पर भी आप सेम गो थ्रू कीजिए इनके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ में। देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको वहां परफॉर्म करनी है। अब आती है यहाँ आपको, आप किस तरह की वैल्यू एडिंग इफ यू आर प्रोफिशिएंट इन B2B और B2C सेल्स हो सकती है। B2B और B2C सेल्स का मतलब क्या है, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। दोनों ही तरह की सेल्स असेंशियल में होती हैं, तो इसलिए आपको दोनों ही तरह का एक्सपोजर आपको यहाँ करने को मिलेगा। बिजनेस टू बिजनेस होती है तो लिटिल बिट थोड़ा ईजी हो जाता है सेल करना, बट बिजनेस टू कस्टमर इज लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। तो दोनों ही तरह का एक्सपोजर आपको मिलेगा यहाँ पर, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। जो भी बच्चे सेल्स डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं सारी जॉब वैकेंसीज के लिए। किसी में कोई भी बात नहीं है या कोई भी लोकेशन का भी बात नहीं है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से ही अप्लाई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है आपका आईटी हेल्प डेस्क, जो कि कस्टमर सर्विसेज को लेके है, कस्टमर सर्विसेज टेक्नोलॉजी सपोर्ट। तो ये भी सेम आपका न्यू एसोसिएट्स रोल की आपकी डेजिग्नेशन है। जॉब लोकेशन बैंगलोर है। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0 to 1 year का है, तो फ्रेशर्स एज वेल एज फॉर द एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं कस्टमर सर्विसेज के लिए। जिन लोगों को एक्सपीरियंस होगा इस जॉब के लिए, उनके लिए थोड़ा बहुत एक प्लस पॉइंट हो जाता है। मोस्टली गर्ल्स इसके लिए बहुत इंटरेस्टेड रहती है कस्टमर सर्विसेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रिक्वायर्ड रहती हैं इन जॉब्स के लिए। तो यहाँ पर भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी जॉब रोल आपके लिए परफेक्ट है।
नेक्स्ट आती है आपके लिए रिक्रूटर एनालिस्ट। दिस इज द कम्प्लीटली फॉर द एचआर प्रोफाइल, जो भी एचआर से बिलोंग करते हैं, जो भी एचआर से हैं, उनके लिए यही प्रोफाइल है। यहाँ पर भी आप सेम तरीके से पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए इनका। और क्वालिफिकेशन इनको रिक्रूटर एनालिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, इनको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए विद द वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 to 4 ईयर। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस 1 to 4 ईयर का रिक्वायर्ड है, क्योंकि रिक्रूटर एनालिस्ट की प्रोफाइल है, असेंशर के लिए आपको रिक्रूट करना है, तो वहां पर थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट और लास्ट जॉब जो आपकी आती है न्यू एसोसिएट्स रोल के लिए, दैट इज फॉर द ऑडिट टीम। ऑडिट टीम में आपको क्या करना होता है वो आपका यहाँ डिटेल लिखा हुआ है। सेम मैनेजमेंट लेवल की डेजिग्नेशन, लोकेशन बैंगलोर है, क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0 to 1, इट मींस फ्रेशर्स कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो ये रही आपकी जो भी फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं असेंशर के पोर्टल पर, वो यही 5 वैकेंसीज जो कि सबसे ज्यादा जिनके लिए एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं वो यही 5 वैकेंसीज है, इसीलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी और भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं जिनको आप खुद भी उनके करियर पोर्टल पर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हर जॉब वैकेंसीज के नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। जस्ट क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ ऑप्शन। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, लॉग इन टू अप्लाई और साइन अप टू अप्लाई। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं विद द असेंशर तो आप लॉग इन कीजिएगा, नहीं है तो सिंपल सा साइन अप कीजिएगा। और कुछ डिटेल्स आपको भरनी रहेंगी लॉग इन करने के बाद में, बेसिक डिटेल्स रहेंगी आपके क्वालिफिकेशन, आपके एजुकेशन को लेके, तो वो आप यहां से कंप्लीट करके और साइन इन करके आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी मेल आईडी पर रिजल्ट आ जाएगा इफ योर रिज्यूमे गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट। और फर्दर जो इंटरव्यू राउंड जो रहेंगे, फर्दर सिलेक्शन राउंड रहेंगे, वो आपके साथ में कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे। जनरली अभी इनके 2 ही इंटरव्यू के राउंड रहते हैं फॉर द फ्रेशर्स रोल के लिए, तो माइट भी हो सकता है कि आपके लिए वही रहे। कभी कभी एक टेस्ट भी ले लेते हैं बेसिक सा, तो वो भी हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।